मुझे बहुत सारे मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, बहुत हज़ारों लाखों लोगों से बात करने का इत्तेफाक हुआ है, सैकड़ों लोगों से मैं रोज़ाना बात करता हूँ ऑनलाइन, और उस बात करने के नतीजे में जो मुझको मसला नज़र आता है हमारी कौम के अंदर ख़ास तौर पे और बिलमूम इंसानियत में, वो ये कि हम डरपोक हैं, हम खौफ ज़दा हैं, हम खौफ में मुबतला हैं बहुत सारी चीज़ों से, और इस खौफ से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे ना हम नए कारोबार कर सकेंगे, ना हम नई हुकूमत ला सकेंगे, ना ही हम अपने आप को बेहतर बना सकेंगे, क्योंकि हम हर नई चीज़ से डरते हैं। और इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है उसका नाम है अमिगडला, जिसकी वजह से हम खौफ में रहते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी अमिगडला की वीडियो भी देख सकते हैं, और अपने खौफ से खौफ खाने की कोशिश करें कि आपको जो चीज़ खौफ दिलाती है उसको एम्ब्रेस करें, उसके सामने चले जाएं, और ये नहीं कि ट्रक के जाके सामने खड़े हो जाएं कि खौफ आता है, बल्कि चाहे वो सांप हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो अवामी नुमाइंदा हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपके वालिद हो, चाहे आपकी वालदा हो, जो भी जिससे भी आप खौफ खाते हैं, रिस्पेक्ट ज़रूर करें, खौफ ना खाएं। खौफ खाने की वजह से आपका जो जो कैपेसिटी है सीखने की, उस कैपेसिटी के अंदर आप समझिए कि अगर आप 1 लीटर की पानी की बोतल है तो उसके अंदर 1 लीटर की गुंजाइश है, तो आपने 70% खौफ की वजह से उसको पहले से भर दिया, तो 30% चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं। इसी तरह दिमाग की कैपेसिटी है, उस दिमाग की कैपेसिटी को आप ख़राब कर देते हैं जब आप खौफ अपने अंदर जमा करके रखते हैं। उस खौफ को फारिग कर दें, निकाल दें। निकालने का तरीका है कि उसको एम्ब्रेस करें, उसको फेस करें, उसके सामने खड़े हो जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता खौफ कम हो जाएगा। जब खौफ ख़त्म हो जाएगा तो उसकी जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, दिल की आरजुएं हैं, वो आपकी लब पर आएंगी, दिमाग में आएंगी, और आप उनको उनके ऊपर एक्शन ले सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप जिस भी जगह पहुँचना चाहते हैं, जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है, वहाँ तक आप जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे।